जय सिया राम भक्तजनों, प्यारे भक्तों, भगवान से कुछ ना मांगो, बस भगवान का भजन करो। अगर आप भगवान का भजन करोगे तो वह आपको इतना देगा कि आपकी झोली छूटी पड़ जाएगी। आप विश्वास करो कि जिन्होंने भगवान का भजन किया है और मांगा नहीं है, तो उनको वह सब कुछ मिला है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। बहुत सारे दृष्टांत इस तरह के हैं, जैसे नरसिंह भक्त, प्रहलाद भक्त, ध्रुव भक्त आदि आदि बहुत सारे उदाहरण हैं। तो अगर आप एकाग्रचित होकर के और भगवान का भजन करेंगे तो वो आपको वह सब कुछ देगा जो आपको चाहिए। आपको तो यह पता ही नहीं है कि आपको चाहिए क्या। वो सब कुछ जानता है, वो अंतर्यामी है, वो सबके घट में बैठा है, वो सबकी खबर रखता है। लेकिन हमारी बस इतनी ही कमजोरी है कि हम उसका भजन करते नहीं, हम उसका ध्यान करते नहीं, हम उसे पूछते नहीं, अपनी मन मर्जी चलाते हैं। तो उसमें कभी थोड़ा सा सुख मिलता है और ज़्यादातर दुख मिलता है। क्योंकि कहा भी है ना, इस जग में दुख ज़्यादा है और सुख कम है। तो उसका कारण क्या है? उसका यही कारण है कि हम उसे याद करते नहीं, जबकि दुनिया में उसके सिवाय ना कभी कुछ था, ना है और ना होगा। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि जो भगवान का भजन नहीं करते हैं, जो भगवान का ध्यान नहीं करते हैं, तो क्या उनके पास कुछ नहीं होता है? ऐसा भी होता है, लेकिन आप थोड़ा सा विवेक लगा के विचार करके देख सकते हैं कि उनका प्रारब्ध इस तरह का है, उन्होंने उसको देखा नहीं है लेकिन जाने अनजाने में उसको याद किया है, उनका भजन किया है, ध्यान किया है। तो जितना किया है उतना तो उनको मिलेगा ही ना। और जब उनका वो भंडार ख़त्म हो जाएगा तो फिर उनका वही हाल होगा जो एक दुखी आदमी का होता है, जो एक परेशान मनुष्य का होता है। तो आप इसको अच्छी तरह समझ लें, अपने जीवन में ये उतार लें, अपने अंदर ये गांठ बांध लें कि भगवान का भजन ही सार है और वही हमारे दुखों का कारण है कि हम उसको याद नहीं करते हैं, हम उसे भूले हुए हैं। तो प्यारे भक्तों, आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय सिया राम।